गुड इवनिंग, वेलकम टू आरजी स्टडी चैनल। इसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा देखेंगे 250 एमसीक्यू रहेगा। इसमें बहुत तेज़ी से चलेंगे। पीडीएफ मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ पेड वालों को, ठीक है। और जिन लोगों को अभी भी जुड़ना है, बीआईएस का टेस्ट सीरीज लेना है, 12 सेलेक्ट सीरीज और 12 मंथ का करंट अफेयर रहेगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस जीए का ऑल पोर्शन मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, वन लाइनर, जितने भी सब कुछ है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सभी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ के तौर पे, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, मात्र 400 रुपये में, 400 रुपीज़ में। आप लोग जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, इसी पे आप लोगों को इनरोल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा बीआईएस इंट्री 2020, ठीक है। आप लोगों को प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा इन 36 आवर में। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राउत नाचा इज फ्लॉक डांस परफॉर्म मेनली बाई द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ विच स्टेट, या किस स्टेट का है जो आपका राउत नाच आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। नेक्स्ट है कि बोबिली वीणा, आल्सो नोन एज सारावती वीणा और द इकांडा वीणा, इज अ लार्ज प्लेक्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। इट इज मेड फ्रॉम विच इज द फॉलोइंग ट्रीज, आपका हो जाएगा जैकवुड। क्या जैकवुड? देखिए, ये प्रीवियस पेपर नहीं है, प्रीवियस पेपर से रिलेटेड है, उसी से जैसा है उसी से बनाया गया, उसी की वजह से। और ये पूरा आशा की जाती है, पूरा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। 100% कोई नहीं श्योर होता है, 85-90% मैं बता सकता हूँ कि यदि सभी आप लोग फॉलो कर रहे हैं जो मैं पैटर्न दे रहा हूँ, तो आराम से आप लोग प्री क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 150 क्वेश्चन है, यदि आप 110 यदि आप आउट ऑफ 150 प्लस पा जाते हैं तो आप लोग लगभग फिक्स रहेगा प्री। पहला क्वेश्चन है कि घुमुरा इज एन एंशियंट फोक डांस दैट ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में ओरिजिनेटेड है। तो आपका हो जाएगा घुमुरा जो आपका फोक डांस है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है? उड़ीसा से। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, जो एक क्लासिकल डांस इंडिया का नहीं है, शास्त्रीय है, कथक है, मणिपुरी है, लेकिन जो भांगड़ा है यह नहीं है, भांगड़ा पंजाब राज्य का है, ठीक है, डांस है, जो आपका क्लासिकल डांस नहीं है, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ द इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो जाएगा आपका माज। क्या माज? कालाबेलिया, योगा, रामलीला, ये सभी जो हैं क्या हैं? एडेड हैं यूनेस्को के इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। आगे ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बताइए जरूर, देख कर आंसर कि क्या होगा इसका, ठीक। आप नेट से सर्च करिए चाहे जहाँ से सर्च करिए, सर्च करके बताइए। आगे करें कि दिस टेम्पल इज 150 ओल्ड टेम्पल सिचुएटेड इन कवि कोम्बाई इन गुजरात, इट इज फ्लैक्ड बाय द अरेबियन सी ऑन वन साइड एंड द बे ऑफ कॉम्बे ऑन द अदर। दिस शिवलिंग प्रेजेंट हियर कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द टाइड आवर्स। इन द एबव गिवन डिस्क्रिप्शन विच टेम्पल्स इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये किसके बारे में बात किया जा रही है, किस टेम्पल की बात की जा रही है? तो जाएगा आपका स्टम्बेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं, फास्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, 250 एमसीक्यू डिस्कस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैरायटी ऑफ द मैंगो, मैंगो की वैरायटी नहीं है, आपका हो जाएगा अल्फांसो है आपका, बैंगन पीली है आपका, है कि सिंदूरा भी आपका है, लेकिन जो आपका रेड डक का है ये नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए जहाँ पे नॉट लिखा रहे, ये बहुत ध्यान से देखा करिए आप लोग। आगे है कि द भीमबेटका रॉक सेटलर्स और एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द पॉलियोलिथिक
पीरियड इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। द स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ श्रावस्ती सारनाथ एंड कुशीनगर बिलोंग टू विच ऑफ द स्कूल आर्ट, मथुरा स्कूल आर्ट, मथुरा स्कूल आर्ट द्वारा इसे किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग हुज रीजन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रिच इट्स पीक, किस समय में जो मथुरा का जो आर्ट वाला स्कूल था अपने पीक पर था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस हुआ था, तो गुप्ता एज में था। ठीक है, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये कौन सा इसका जो स्कूल ऑफ आर्ट का फीचर्स नहीं है, सॉरी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसमें है कि द जीना इमेजेस बुद्धा इज रिमार्केबल फीचर्स ऑफ दिस आर्ट, इसका हो जाएगा द इंडिजियस आपका स्टाइल ऑफ बुद्धा इमेज इज ऑल्सो फीचर्स ऑफ दिस आर्ट, द सोल ऑफ द फीट अब बुद्धा और डेकोरेटेड विथ ट्री रत्न। ठीक है, आगे है कि द प्रेजेंस ऑफ टू अटेंडेंस बाय द साइड ऑफ बुद्धा, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव, क्या ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। आगे है देखेंगे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट दैट वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्कल्पचर इज द फ्यूजन ऑफ बोथ, क्या क्या हो जाएगा, ग्रीक रोमन स्टाइल एंड इंडियन स्टाइल, आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे देखेंगे जैसे ही हम लोग, हाउ मेनी हैंड जेस्टर्स ऑफ बुद्धा वेयर डिपिक्टेड, क्या डिपिक्टेड फ्रॉम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, कितने, फोर हैं, ध्यान दीजिएगा फोर है। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इमेज आर एक्सपेंसिव, क्या इमेज आर एक्सपेंसिव। आगे है कि इन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाइट मार्बल इज यूज्ड एंड द थीम्स वेयर, कहाँ कहाँ पे मार्बल्स का यूज किया गया था आपका ए एंड बी दोनों में, बुद्धा लाइफ इन द जटाक टेल्स द Curly hairs and the Buddha is a feature that is influenced by the Greeks. ठीक है, आगे है कि बामियान बुद्धा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्कूल आर्ट, गांधार कहाँ पाया था आपका बामियान बुद्धा को, तो आपको हो जाएगा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, आगे है कि इनिशियली गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था, तो हेलिनिस्टिक फीचर्स के द्वारा, किसके, हेलिनिस्टिक फीचर्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से इसमें से करेक्ट है ये बताना है, तो इसमें सभी करेक्ट हैं, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में भी दिया हूँ, ऐसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे अंगामी इज अ ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ नागालैंड, कहाँ के हैं अंगामी जो ट्राइबल्स हैं, नागालैंड के हैं। डैश इज द ट्राइबल ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन से हैं, वारलिस है। नेक्स्ट है कि गैदीज इज अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। पूछा जाता है ट्राइबल्स को विच ट्राइबल्स ग्रुप इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, हो जाएगा कानिकर, क्या कानिकर। नेक्स्ट है योरिलीज इज अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ केरला, हाँ के केरला के। झारखंड ट्राइबल ग्रुप इज विच ऑफ द फॉलोइंग, हो जाएगा मुंडाज। नेक्स्ट है कि डैश इज द ट्राइबल ग्रुप ऑफ मेघालय, मेघालय क्या हो जाएगा, जयंतिया हो जाएगा। भुज इज अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ कहाँ का है, जानते हैं भुज, भुजा सॉरी भुज है ना, भुज कहाँ का है, एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि डैश इज द ट्राइबल ग्रुप ऑफ असम, कौन सा है आपका, हो जाएगा छुटिया। ठीक है, आगे चुटिया, चुटिया भी होता है वहां पे। द मीना इज अ ट्राइबल फूड, ट्राइबल फाउंड मेनली इन विच स्टेट, मीना कहाँ का पाया जाता है, ट्राइबल ग्रुप है राजस्थान का है। आगे है कि द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर, कहाँ पर किया गया था, मणिपुर में किया गया था आपका सेलिब्रेट। द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ खजुराहो, और खजुराहो का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, जैन टेम्पल सॉरी उसमें कौन कौन से हो गए,
सही बात आपका हो जाएगा, वैष्णवी टेम्पल्स भी इसमें हैं। नेक्स्ट है कि द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, इंडिया के कौन से स्टेट में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो मनाया गया था, तो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है। इसमें देखिए तीन, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, जो वहाँ पे सेकेंड वाला है वो नॉट करेक्ट है। क्या है आपका, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इंजॉयड द लाइबरल पेट्रोनेज ऑफ इंडो ग्रीक रूलर, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि गुंडेचा ब्रदर्स आर वेल नोन एक्सपोनेंट्स ऑफ विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, क्या हो जाएगा, ध्रुपद, ध्रुपद गायन जानते हैं आप लोग, वही है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज द सेलिब्रेटेड एनुअली, हर साल एलिफेंट सिटी के जो जाना जाता है जयपुर, वही भी मनाया जाता है एलिफेंट फेस्टिवल। मी दाम मी फी, क्या है, मी दाम मी फी फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द कम्युनिटी इज नॉर्थ ईस्टर्न, तो आपका हो जाएगा ताई अहोम, ताई अहोम। नेक्स्ट है टूडेज गुरमुखी डोंगरी एंड सिंधी स्क्रिप्ट हैज डेवलप्ड फ्रॉम विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट, कह रहा है कि जो गुरमुखी है, डोंगरी है, सिंधी जो बोली है ना, वो कहाँ पे आपका किन को बीच में स्क्रिप्ट तैयार हुआ था, डेवलप हुआ था, विकास हुआ था, तो शारदा स्क्रिप्ट के, शारदा स्क्रिप्ट के अंडर में उसे तैयार किया गया था। आगे है इज हुटाचन पुरास्तकम इज द हाइएस्ट लिटरली अवार्ड ऑफ विच एमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नमेंट केरला द्वारा दिया जाता है, जो लोग केरल से होंगे वो लोग जानते हैं। ठीक, चल आगे है विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फर्स द बसावा श्री अवार्ड, क्या बसावा श्री अवार्ड, कर्नाटका, क्या कर्नाटका। ठीक है, आगे इसको सही से नहीं दिख रहा है आपका, बस विजिबिलिटी कम है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला राय पिथोरा बिल्ट बाई तोमर राजपूत इज लोकेटेड इन विच एमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज, क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। आगे है कि चिश्ती ऑर्डर इज अ सूफी ऑर्डर विच अरोज फ्रॉम चिश्त अ स्मॉल टाउन इन विच एमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज, हो जाएगा अफगानिस्तान। आगे है कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो वेनरेटेड ऑफ सेकेंड बुद्धा, क्या हो जाएगा आपका, पद्म संभाव। ठीक है, आगे इन विच ईयर दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड, कब से दिया जाता है, आपका हो जाएगा 1969 से। अब मैं एक और बता दे रहा हूँ आपको, 19 का दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। अब ये बताना है आप लोगों को कि जो अमिताभ बच्चन को दिया गया था वो किस नंबर का था, ऑर्डर उसका क्या था, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे है कि ईच ईयर रमजान ऑक्योर्स अबाउट डेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 11 डेज अर्लियर, कितने 11 डेज अर्लियर। आगे नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सरस्वती समन ऑफ के बिरला फाउंडेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सभी सही है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फोर्थ नहीं सही है। नेक्स्ट है कि सिंघे कबाब्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में बट गया है, टू आपका सब स्टेट हो जाएगा आपका। ठीक है, यूनियन टेरेटरी आपका हो गया है कौन कौन सा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जम्मू और लद्दाख जितना आप लोग जानते हैं उससे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे आप लोगों का रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द जैपनीज आर्ट इकेबाना इज रिलेटेड टू विच एमॉन्ग द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा, फॉलोअर डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, सॉरी। ठीक
ठीक है। आगे है कि द भगत मूवमेंट, द मूवमेंट सॉरी द भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच एमोंग द फॉलोइंग ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। भील, क्या भील। नेक्स्ट है द एलिफेंटा केव्स, जो एलिफेंटा गुफाएं हैं, हैव बीन मोस्टली इंस्क्राइब्ड टू विच एमोंग द फॉलोइंग डायनेस्टी, किसके द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेजेज इज लोकेटेड एट मैसूर, कहाँ पे, मैसूर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कि द कॉन्टेक्स्ट विच द इंडियन म्यूजिक अभंग आर द ड्यूलेशन द ड्यूशनल सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू विच एमोंग द फॉलोइंग गॉड्स, किसे आपका डेडिकेटेड है, तो विथला टू विठल, सॉरी विठल दास, विठल को यह आपका डेडिकेटेड है सॉन्ग। द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन इन एसोसिएशन, सॉरी इज एसोसिएटेड विद द इंडियन हॉस्पाइस एट जेरूसलेम, क्या हो जाएगा आपका, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म द नेम ऑफ द लता पादा इज एसोसिएटेड विथ, कहाँ का आपका है, तो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, एंशियंट भीम देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, हरियाणा में आपका है भीम देवी टेम्पल। नेक्स्ट की बात करेंगे तो व्हाट इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन संस्कृत अल्फाबेट, संस्कृत अल्फाबेट में कितने नंबर्स होते हैं लेटर के, तो आपको जाएगा 54, याद रखे रहिए 54 हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में 54 कहते हैं। ठीक है, इतने लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम दिसंबर 2003 फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द टॉप रॉम टेम्पल इन विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज, क्या हो जाएगा आपका, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया। आगे द वर्ल्ड चेनरेजिज इन द तिब्बतन बुद्धिज्म रेफर्स टू विच एमोंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वरा। नेक्स्ट द मुस्लिम फेस्टिवल बारा वफत वेयर द वर्ड बराह स्टैंड फॉर द 12th डेज ऑफ द प्रॉफेट्स सिकनेस रेफर्स टू विच एमंग द फॉलोइंग इवेंट लाइफ और प्रॉफेट्स मोहम्मद, क्या हो जाएगा, बर्थ ऑफ प्रॉफेट्स मोहम्मद, बर्थ पे होने के मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रीजन थुप्टन मिंट्रोलिंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड विच ऑफ द इनॉग्रेटेड बाई दलाई लामा इन 2010 उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा के। आगे जब देखेंगे तो जाएगा रुमटेक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आपको जाएगा सिक्किम, क्या सिक्किम। आगे है कि दलाई लामा इज द टेम्पोरल हेड ऑफ विच एमोंग द फॉलोइंग सब स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, आपको जाएगा गेलुगपा। ठीक है, हाउ मेनी इंडियंस लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज बाई द साहित्य अकेदमी फॉर इट्स अवार्ड, 24। ठीक है, आगे है कि विच एमोंग द फॉलोइंग सिख गुरु डिक्लेयर्ड दैट गुरु ग्रंथ साहिब विल बी द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म एंड विल बी द परमानेंट गुरु ऑफ सिख, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह लगा इसका आंसर। आगे की ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड इंडियन म्यूजिक डेटेज बैक टू 1902 व्हेन इंडियाज फर्स्ट डिस्क हैड बीन रिकॉर्डेड वन ऑफ द फॉलोइंग सिंगर्स सिंगिंग अ खायल इन राग जोगिनी
राग जोगिया, सॉरी राग जोगिया आइडेंटिफाई द सिंगर, कौन गाया था राग जोगिया आपका गौहर जान, चलिए गौहर जान, ठीक है। आगे है कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर्स वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, केरला। जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे वो कहाँ के थे, केरला के थे। आप लोग केरला के थे तो कौन थे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द फोक डांस टेराथली, राजस्थान। कहाँ पे टेराथली, राजस्थान में। आगे है कि वास्टोस होटल ऑफ स्प्लेंड मेंशन विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कास्ट आयरन बिल्डिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, मुंबई, ठीक है। डोंगी पोलो, डोंगी पोलो इज अ रिलीजियन ट्रेडिशनल फॉलोड बाय सम ट्राइबल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे है कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इन नॉट नॉट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं है तो बाघ केव, एलोरा केव है, भाजा केव है और बेढड़ा बेढ़सा केव भी है, लेकिन बाघ केव नहीं है, ठीक है, केव मीन्स गुफा होता है। आगे दलाई लामाज आर कंसीडर्ड रेनकार्नेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको जाएगा अवालोकितेश्वर, अवालोकितेश्वर। नेक्स्ट है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नगारा द्रविड़ा, द्रविड़ा एंड वेसारा, आपको जाएगा थ्री मेन्स स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है कि ब्लैक पैगोडा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आप सभी लोग जानते हैं उड़ीसा है गाया, ठीक। आगे नेक्स्ट है कि राजराजेश्वरम टेम्पल विच वॉज बिल्ड एग्जैक्टली वन ईयर एगो बाई एम्परर राजराज चोलाज फर्स्ट द ग्रेटेस्ट मोनार्ची ऑफ द चोलाज डायनेस्टी इज 1010 इज डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज, शिवा। आगे है कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस, जैसे मैच करेंगे आपको कंसीडर करने के लिए आप लोगों को बी वाला आंसर आप लोगों को मिल जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिज्म स्टडीज इज लोकेटेड एज, कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में। आगे जब देखेंगे तो हम लोगों को जाएगा चिन्ना पोनिया और जाएगा शिवानंदन एंड वैली वेलू व टीचर्स एंड कंपोजर्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इंडिया, जब को जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि समय नहीं है बहुत ज़्यादा। संत कबीर अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑफ ऑनर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वीवर्स, ठीक है। आगे है कि दरभंगा कास्टल इज लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द अर्लियर नेम ऑफ द लेह सिंह कबाब्स फेस्टिवल, क्या नाम है उसका, सिंधु दर्शन, इस समय का जो लेटेस्ट नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है ये पूरा नहीं बहुत सही है लेकिन मैत्री मंदिर इज लोकेटेड कहाँ पे है, पांडिचेरी में। पीडीएफ जिनको मिला है आराम से देख लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग सब स्कूल्स ऑफ वेदांता इज फेस्टिवल इज आइकॉन, सॉरी आइकॉन्स, आपका हो जाएगा अचिंत्य वेदा भेदा, वेदा भेदा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द टेम्पल सिटी ऑफ द ओशियन नियर जोधपुर वाज बिल्ड बाई, किसके द्वारा बनाया गया था, प्रतिहार्स, किसके द्वारा, प्रतिहार्स डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट है टेम्पल ऑफ द इमराल्ड बुद्धा इज लोकेटेड इन विच कंट्री, वो जगह थाईलैंड में बनाया गया था। आगे है कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग क्या करना है, कंसीडर फॉलोइंग द महावीर जयंती और बुद्धिन जयंती, महावीर जयंती और बुद्धिन जयंती, द फॉलोइंग मे फॉल इन द सेम मंथ एंड द ग्रिगेरियन कैलेंडर, से मंथ पड़ता है पहला दूसरा महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट है कि कैलोल वाज द नेम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लिटरेचर, क्या हो जाएगा आपका, बांग्ला। नेक्स्ट है आवाज़ सही से नहीं है आया हुआ, पीडीएफ में सही आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ द बेस्ट नोन एज द कॉम्पिटिशनल
ऑफ द कॉम्पिटिशंस ऑफ कबीर आर नोन एज कंपोजिशन, सॉरी कंपिलेशन ऑफ, ये है आपका, ये कंपोजिशन है जो इनका जुड़ा हुआ था बीजक, तीन थे साखी शबद रमैनी, सब तीनों को ऐड करके कंपोजिशन करके एक बनाया गया था, इनका रचना था बीजक, किसका, कबीरदास का। नेक्स्ट है इन द इंडियन इंडियन मिथोलॉजी हु संग शिवा तांडव स्टोरा, क्या हो जाएगा आपका, रवाना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ऑफ द केरला वाज कॉल्ड बाई जवाहरलाल नेहरू एज पुअर मैंस कथकली, आपका हो जाएगा ओट्टम ओट्टम थुलाई, क्या ओट्टम थुलाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फर्स नेशनल कबीर सम्मान, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, कौन देता है, मध्य प्रदेश नेशनल कबीर सम्मान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द 12th सेंचुरी चालुक्य टेम्पल, सॉरी चालुक्यन टेम्पल आर्ट इज एन एक्सेप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड रूल ऑफ द चालुक्यन कंस्ट्रक्शन दैट फी द फेसेस वेस्ट इंटरेस्टेड इंस्टीड ऑफ फेसिंग द राइजिंग सन ऑफ द ईस्ट, हो जाएगा आपका क्या, सिद्धेश्वर टेम्पल हवेली एंड द कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट डब्ड फिल्म हरिश्चंद्र इन 1944 में, ए वी मैरियप्पन, कई बार पूछा जाता है तो हरिश्चंद्र वाला कब बनी थी फिल्म आपका, तो 1944 में, और कौन बनाया था, ए वी मैरियप्पन ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, 24 नंबर 23 नंबर पढ़ लीजिएगा, 24 नंबर है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द ओनली स्वामी नारायणन टेम्पल इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, और जाएगा आपका कराची। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें है आपका कि इन कॉन्टेस्ट विथ कर्नाटका वाज व्हाट इज हेले गेंडा, आपको हो जाएगा अ लैंग्वेज। ठीक है, बाकी ये सब है तो ये सब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पीडीएफ में दे दूंगा, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर का था, कल हो सकता है पॉलिटी का ले लूँ क्वेश्चंस, और जो बाकी टेस्ट हो होता रहेगा आप लोगों को मिलता रहेगा, जो लोग पीडीएफ ज्वाइन किए हैं उन लोगों को टेस्ट मिल चुका है, पीडीएफ भी मिल चुके हैं, और कुछ अभी बाकी है पीडीएफ, उसको देना है दे देंगे, और एडमिट कार्ड का चिंता ना लीजिए, 10 दिन पहले आएगा, 10 डेज बिफोर आएगा, उसको जब भी आएगा मैं बता दूंगा, और जो लोग अभी भी लेना चाहते हैं ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आइए, सेंट्री लिख कर भेज दीजिएगा, हमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे लेना है। ठीक है, और अगली बात पैसे की बहुत ज़्यादा नहीं है, 400 ओनली। ओके,